शीघ्रपतन के लिए खुद का इलाज आदमी क्या करता है, इसके बारे में मैं बातचीत करूंगा। शीघ्रपतन, शीघ्र वीर्य पतन, प्रीमेजर इजैकुलेशन, अर्ली इजैकुलेशन, ये अलग अलग उसको नाम है, उसको वैसे ही बोलते हैं कि स्टेमिना नहीं टिकना, बेड पर ज़्यादा समय तक नहीं टिकना, जल्दी फॉल हो जाना, ऐसे भी अलग अलग नाम है। एक मिनट से यदि कम होता है टाइम तो उसको बोलते हैं शीघ्रपतन। पहले ये क्राइटेरिया 2 मिनट का था कि 2 मिनट से पहले यदि हो रहा है तो शीघ्रपतन बोलते, अभी 1 मिनट से पहले हो गया तो शीघ्रपतन बोलते हैं। लोगों का वैसा नॉर्मली 2 मिनट से ज़्यादा रहता है, ऐसा नहीं कि रहता नहीं है, मगर वो पॉर्न फिल्म में देखते हैं आधा आधा घंटा एक एक घंटा चलते हुए, तो उनको लगता है कि अपना भी इतना चलना चाहिए। मुझे यहाँ बताना कि वो पॉर्न फिल्म है, वो फिल्म है, वो एक्टिंग है, वो सच्चाई नहीं है, वो लाइफ में वैसा नहीं होते रहता है। एवरेज टाइम जो अनेक स्टडीज़ में पाया गया है, एवरेज टाइम सेक्स का या डिस्चार्ज का, वो 5 मिनट 40 सेकंड पाया गया, अनेक स्टडीज़ है उसमें, मतलब 5 मिनट 40 सेकंड है तो ठीक है। अभी मुझे ये भी बोलना है कि मिनट में काउंट मत करो, दोनों पार्टनर खुश होना चाहिए। दोनों पार्टनर यदि खुश होते हैं, समाधानी होते हैं, तो शीघ्रपतन नहीं है, और यदि एक भी पार्टनर ठीक नहीं है, खुश नहीं है, तो सिर्फ तो शीघ्रपतन है। तो जब शीघ्रपतन होता है तो आदमी लोग यूजुअली किसी की हेल्प लेते नहीं है, खुद का खुद ही ट्राई करते रहते। एक तो जल्दी हो गया डिस्चार्ज, फटाक से अलग हो जाएंगे, कुछ तो भी बहाना बनाएंगे, कपड़े पहनेंगे, सो जाएंगे। फिर कुछ लोग कहीं सुनते हैं बोले नहीं अपन थिक कंडोम्स वापरो, डबल कंडोम वापरो, एनिस्थेटाइज्ड कंडोम वापरो, वो करते हैं खुद, उससे ट्राई करते हैं। कुछ लोग शराब लेते हैं, शराब से कुछ लोगों को फ़ायदा होता है, मगर शराब का एडिक्शन होता है, तो शराब लेना भी ठीक नहीं है। शराब से होता क्या है कि वो जो सेक्स थ्रेशोल्ड है वो थोड़ा बढ़ जाता है। ऐसा बोला जाता है कि अल्कोहल इंक्रीजेज द डिज़ायर बट टेक्स अवे द परफॉर्मेंस, मतलब इनहिबिशन करेंगे, वो इच्छा बहुत बढ़ा देंगी, गिराने के लिए मतलब टाइम लेंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा गिराने के लिए, अल्कोहल का है वो, मगर उसका भी साइड इफेक्ट्स है, आदत लग सकती है। कुछ लोग सेकंड राउंड के लिए जाते हैं कि ठीक है पहले बार जल्दी हो गया सेकंड राउंड करेंगे, मगर वो प्रॉब्लम ये होता है कि सेकंड राउंड में जितना टेंशन चाहिए उतना टेंशन आता नहीं, और उतना टेंशन आया नहीं तो सेक्स बराबर होता नहीं, क्योंकि वो इंसर्शन होगा नहीं, अंदर जाएगा नहीं योनि में, तो वो प्रॉब्लम आएगा। यंग लोग है वो सेकंड राउंड करते हैं। फिर कुछ लोग एनिस्थेटाइज्ड लोशंस, क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स, मलम वो लगाते हैं, स्प्रेस वो लगाते हैं, जिससे फ़ायदा होता है। कुछ लोग पेनाइल रिंग्स आती है वो वापरते हैं, पेनाइल रिंग्स, और वो पेनाइल रिंग वापर लिया तो उससे क्या होता है कि उससे डिस्चार्ज थोड़ा लेट हो सकता है। कुछ लोग रबर बैंड का वापर करते हैं, थिक रबर बैंड लेना और वो टाइट लगाना नीचे, उससे भी कुछ फ़ायदा कुछ लोगों को होता है। तो ऐसा अलग अलग ट्राई करके देखते हैं, मगर ये साइंटिफिक, कभी हो सकता है फ़ायदा, कभी नहीं हो सकता। मैं आपको साइंटिफिक मेथड मेरे अलग अलग वीडियोज़ में बताया हुआ है, और वो है स्टॉप स्क्विज स्टार्ट टेक्निक, फीमेल सुपीरियर पोजिशन, कीगल्स एक्सरसाइजेस, ये मेथड्स है। और फिर दवाइयाँ हैं कि जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं, कि जो SSRI ग्रुप की जो दवाइयाँ हैं वो टाइम बढ़ा सकती है, तो ये संभव है कि उसका प्रॉपर इलाज करना और अपना सेक्स लाइफ एंजॉय करना। आपको वीडियो अच्छा लगे लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।